गाइस एक बार फिर से आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है। मेरा नाम मुकेश है। ईशान किशन की ऐतिहासिक पारी धोनी के बाद ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं। एशिया कप 2023 के तीसरे मैच में भारत पाकिस्तान की टीमों का आमना सामना हो रहा है। ये मैच कैंडी के पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन टीम की शुरुआत काफी खराब रही। टीम ने 66 रन पर ही 4 विकेट गवा दिए थे, लेकिन युवा बल्लेबाज ईशान किशन के बल्ले से एक शानदार पारी देखने को मिली। ईशान किशन एमएस धोनी के बाद वनडे में लगातार 4 अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय विकेटकीपर बने हैं। एमएस धोनी ने साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 4 अर्धशतक लगाए थे। बता दें कि ये पहली बार है जब ईशान किशन को वनडे में नंबर 5 पर बल्लेबाजी का मौका मिला। इससे पहले वे नंबर 1, 2 और 3 के साथ साथ 4 पर भी बल्लेबाजी कर चुके हैं। उन्हें केएल राहुल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, जिसका फायदा उन्होंने पूरी तरह से उठाया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक में लगातार वीडियो हम आपके लिए वहां पर डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।